फ्रेंड्स, आपने देखा पूरा किचन मेरा कितना गंदा हो रखा है। और प्लीज मेरे ड्रेस को इग्नोर करना, क्योंकि आज सुबह मुझे ठंड लग रही थी, तो सबसे पहले मैंने इनर पहन लिया और मैंने फुल स्लीव्स की कोई भी अपना टॉप टी शर्ट मैंने नहीं देखा, तो मैंने हाफ स्लीवलेस की ही मैंने टॉप रख लिया। रोज वीडियो बनाना है तो फेक करके नहीं बनाना है, जैसी हूँ वैसे ही मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी कि मैं किस तरह से घर में रहती हूँ। तो बस ऐसे ही हम सब शायद जितनी भी लेडीज होंगी घर में ऐसे ही रहना पसंद करते हैं, जो मिल गया पहन लिया, जल्दी से काम करना है। तो आज मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी इसलिए मैं लेट गई थी, तो पूरा किचन मेरा फैला हुआ है। अभी शाम हो गई है, 5:30 बज रहे हैं, तो सोच रही हूँ पहले बच्चे भूखे हैं तो इसलिए मैं इडली फ्राई करने जा रही हूँ उनके लिए, तो उनको इडली दे दूँ। मिल्क दे चुकी हूँ उनको, हल्दी वाला, आजकल मैं हल्दी वाला ही मिल्क दे रही हूँ बच्चों को, तो इडली फ्राई कर लूँ। कुछ नहीं करूंगी इसको, सिर्फ बनारसी राय के साथ फ्राई करूंगी हल्का सा, और देसी घी डालूंगी 1 टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून ये डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दूंगी, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है उनको, पहले मैं कुछ खाने को दे दूं, उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करूंगी और पूरा किचन को मैं क्लीन करूंगी जल्दी जल्दी। तो चलिए पहले मैं इंडक्शन में बनाने जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा वॉइस आएगी, इग्नोर करना। तो अब आ गई इन बर्तनों की बारी। यार मैं बर्तनों से बहुत डरती हूँ, क्योंकि कोरोना के पीछे मेरी काम वाली को मैंने नहीं लगा रखा है, मैं खुद ही करती हूँ काम अपने सारे। तो बस जल्दी जल्दी मैं बर्तन धुलूंगी, क्योंकि बहुत बर्तन है, सुबह के बर्तन है, आपको पता है तबीयत नहीं सही थी इसलिए मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो बस देखिए जल्दी जल्दी मैं कैसे बर्तन धुलती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा स्पीड में लगा रही हूँ ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे। तो उधर मेरे बर्तन साफ हो गए हैं, अब आई है इधर की बारी। तो यहाँ पे सुबह मैंने बनाया था मूली का परेठा बनाया था, तो उसका थोड़ा सा स्टफिंग बच गई है, तो थोड़ा सा उसमें पानी छोड़ दिया था मैंने। अभी इसको एक बार फिर से फ्राई कर लिया, उसका पानी पूरा एकदम मतलब सुखा दिया इसको फ्राई करके। तो अभी ये एक और पॉट निकल आया धुलने के लिए, इसको भी मैं जस्ट खाली कर लूंगी। और ये रहा मेरी मेडिसिन का डब्बा, तो ये मेरे किचन में ही घूमता रहता है, क्योंकि यहाँ पर रहता है ना तो मुझे याद रहता है कि मुझे मेडिसिन लेनी है, तो इसको मैं ढक के रख दे रही हूँ एक साइड में। आज मैंने कुछ भी क्लीनिंग नहीं की है, सुबह से सिर्फ ऐसे ही गंदा पड़ा है, इसको धुलना है। इसमें कद्दूकस किया था मूली को, और ये रहा धनिये का मतलब जो निकलता है, इसको मुझे फेंकना है, तो इसको साइड में करें क्योंकि इसको भी धुलना है। ये सॉल्ट रहा जो खाने के बाद कम पड़ जाता है, तो उसको स्प्रिंकल करने के लिए है। इसमें क्या है, इसमें बेकार ऑयल है। तो जितनी भी चीजें हैं ना, तो मैं सब बस आज क्लीन कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ। मेरा इंडक्शन भी गंदा है, ओके। तो इसमें थोड़ी सी सब्जी बची है, दूध है दही जमाने के लिए, बहुत सा सामान है यार, सब पूरा क्लीन करना है मुझे, ओके। तो इन सबको भी धुल लेते हैं साथ में, पूरा किचन क्लीन करने जा रही हूँ तो ये भी क्लीन करूंगी। तो ऑलमोस्ट पूरा ये मेरा प्लेन खाली हो गया है, और अब इसको हम साफ करेंगे। तो मैं सिप की हेल्प से साफ करूंगी, इससे ना बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है और ज्यादा ताकत भी नहीं लगती है। तो अभी इनको भी मैं साफ करूंगी, गैस के जो स्टैंड है सब धाम 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 की आवाज आ रही होगी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी हटा रही हूँ सामान को, आज काफी लेट हो गया, क्योंकि मैंने जब मेडिसिन खाई
तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ लगा, गंदा देखा नहीं जाता है मुझसे, गुस्सा बहुत आती किचन देख के, लेकिन क्या करूं, मुझे रेस्ट करना पड़ता है यार। मैं लाचार हूं अपने आप से। जब रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलता है, बस फटाफट मैं ऐसे ही काम में जुट जाती हूँ। ओके, तो अभी बस हम सिर्फ की हेल्प से इसको गैस पे थोड़ा सा ऐसे ही फैलाएंगे, ये हो गया, और ले लेंगे पोषण के लिए। मैंने इसको दोबारा वाइप कर लिया है और इसको सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम मैं इसको फिर से क्लीन कर रही हूँ। तब तक क्लीन करूँगी जब तक का इसकी चिकनाहट ना चली जाए। और अब मैं नीचे साबुन की हेल्प से और जो लोहे वाला स्क्रबर होता है उसकी हेल्प से पूरा रगड़ रही हूँ, जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए, क्योंकि ऑयल बहुत जम जाता है प्लेटफॉर्म पर, तो इसलिए उसको अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। और जब क्लीन हो जाता है तो अपने आप को भी अच्छा लगता है और खाना बनाने में भी मन लगता है। तो बस मेरा इधर क्लीनिंग हो गई और मैं अब बर्तन धुलूंगी जितने रह गए थे। अभी आपने देखा था कि मैं एक राउंड बर्तन धुल चुकी हूँ और ये दोबारा फिर से निकल आए हैं यार। तो सफाई की है तो उतने बर्तन निकल आए, तो अभी इनको मैं जल्दी जल्दी से क्लीन करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो किचन पूरा क्लीन हो गया है, देखिए मैंने कितने बर्तन धुले बहुत मैंने बर्तन धुले हैं, पूरी डलिया भर के बर्तन धुले हैं। इधर भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और साइड में कुछ खाने पीने का सामान रखती हूँ तो वो तो रहेगा ही रहेगा। नीचे भी पूरा एकदम पोछ दिया, एकदम पूरा क्लीन हो गया है, क्योंकि तो ये वाइट टाइल्स है तो ये जल्दी गंदा होता है। और उधर मैं जूम करके दिखा दूँ तो उधर मैं जल्दी नहीं साफ करती, वहां पर मैंने नाली को कवर कर दिया है क्योंकि वहां पे सांप निकलता है यार, क्योंकि थोड़ा सा ये आउट एरिया है तो यहाँ पर सांप निकलता है, इसलिए मैंने क्लीन उसको अभी रैप किया है कायदे में। सो फ्रेंड्स, काम बहुत जल्दी स्पीड में मैंने ख़त्म किया है और आप सब देख सकते हो क्या कंडीशन है मेरी। मैंने ऑयल पूरा लगा रखा है बालों में, क्योंकि कंडीशन नहीं सही है तो अपने आप को सही भी रखना ज़रूरी है। और इसी तरह से मैं काम करती हूँ अपना, और वीडियो भी बनाने मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे दो चैनल हैं, मैं दोनों को ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि वीक में एक दो वीडियो तो मेरे अपलोड हो जाएं, बाकी भगवान जी की मर्जी एक्स्ट्रा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एकदम फ्री है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत जल्दी 10K हो जाए, मैं बहुत पास में हूँ 10K के, तो बहुत खुशी होती है जब 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं। जब 100 हुए तो उसकी अलग खुशी थी, मीन्स ऐसे से धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं अचीव की हूँ सब्सक्राइबर से लेके हर एक चीज़, मीन्स यूट्यूब में आना कोई आसान चीज़ नहीं है। आप यूट्यूब आ जाओगे, व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दोगे, सब्सक्राइबर एक दो कहीं से लाओगे, बट इतने सब अर्न करना, नाम कमाना बहुत मुश्किल में होता है यार। उस चीज़ को मैं जानती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है, वो भी मेरी तबीयत ख़राब रही है। अगर मैं प्रॉपर, अगर अच्छी रहती, रियल में अगर मैं अच्छी रहती, शायद मुझे 4 महीने ना लगते अपना चैनल मोनेटाइज करने में। सेकंड चैनल मेरा इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, आई थिंक अधिकतर उसमें वीडियो 4K 3K अबव है उसमें, और मैंने मुश्किल से मुझे लगता है 5 या 6 वीडियो डाले होंगे, अपलोड किए होंगे, और वो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। बट एकदम ही मेरे पास टाइम नहीं है मैं उसको उसमें वीडियो अपलोड करूँ, ये मेरी गलती है, या कह लीजिए तबीयत की मेरी गलती है। कोशिश करूँगी दोनों चैनल को मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम दूँ। आई होप आपको मेरा क्लीनिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा कि मैंने कैसे क्लीनिंग की और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कुछ कमी हो या और मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, मैं ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, अगर आप लोग ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं किस टाइप से ब्लॉगिंग करूँ, मैं अपने चैनल को कैसे इम्प्रूव करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा चैनल और इम्प्रूव हो और मैं ब्लॉगिंग कर सकूं, क्योंकि मेरा मेन एम है ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगर बनना चाहती हूँ। कहाँ मैं टीचर स्टूडेंट में फंस गई हूँ
तो चलिए मैं अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ, रात हो चुकी है काफ़ी, तो आप सबको गुड नाइट कहना चाहती हूँ, बाय बाय ऑल ऑफ यू। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बाय बाय।